देखिए ये है तबाही का मंजर। ये आप देख सकते हैं, हम मांडवी के कुछ इलाकों में पहुंचे हैं जहां पर पानी जल भराव हुआ है और मेरे घुटनों तक ये पानी आ गया है। यहाँ पर लोग जिस तरीके से अंदर से बाहर आ रहे हैं, क्या अंदर स्थिति है भाई? बहुत अंदर, घर पे पानी है, सबके घर पे डूबे हुए, सबके घर जार भर सब गिर गए। इधर पे बहुत पानी है, हाँ बहुत हालत खराब है घरों में। कल रात को तूफान आया था, उसके चलते ये सोसाइटी के अंदर कितने लोग होंगे, कितने घर होंगे जिसके घरों में पानी पहुंच गया? पूरे घरों में पानी हो गया, 300 घर होंगे, 300 घरों में पानी पहुंच गया है। झाड़ वर सब नुकसान हो चुका है, नुकसान हो गया है। और आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, तूफान का आगाही थी, एक वार्निंग दी गई थी, आप लोगों को कहा गया, अभी भी बाहर नहीं निकलने को कहा है, फिर भी आप लोग निकल रहे हैं, नहीं निकलना चाहिए? घर के लिए कुछ तो चाहिए ना खाने पीने के लिए, सब बाहर लेने गए, घरों में पानी है, कहाँ बैठे लेने के आए थे। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं, एक कुछ खाने पीने की चीजें के लिए बाहर आए। अभी भी मौसम का रुख आप देख सकते हैं, एकदम खराब चल रहा है। और साथ ही साथ मैं जहां खड़ा हूं, ये रेसिडेंशियल एरिया है, जैसे बताया जा रहा है तकरीबन काफी लोग इस कॉलोनी में रहते हैं। और चारों बाजू अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, हर जगह आप देखेंगे घुटनों तक का पानी भरा हुआ है। और जब तक ये बारिश होती रहेगी, ये पानी लगातार इस तरीके से उफान पर रहेगा और ये जल भराव लगातार चलता रहेगा। जिस तरीके से ये मांडवी का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट साइक्लोन का रहा, लोग परेशान हैं और हम यहाँ ग्राउंड जीरो से मांडवी से रिपोर्ट कर रहे हैं। घुटनों तक का पानी आप देख सकते हैं और जब तक ये बारिश नहीं रुकेगी ये पानी और बढ़ता जाएगा। कैमरामैन आशीष दयालकर के साथ अभिषेक अवस्थी, टाइम्स नाउ, नव भारत, कच्छ।